हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो चलिए, वे हॉस्टल वार्डन बोलता हूँ, प्रयोगशाला परिचारक के लिए जो है साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन कवर कराया रहा है, ठीक है, जिसमें फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कराया था, इसमें आपका जो है बायोलॉजी से इम्पोर्टेंट, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है, जिसमें आपसे 60 नंबर से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, जो हर एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी भी है, ठीक है, प्रयोगशाला के लिए तो काम आएगा, साथ ही साथ जो है आपका रेलवे वगैरह, ठीक है, एसएससी, पुलिस कांस्टेबल, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होता है तो वहाँ भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए भी काम है, मतलब भारत के कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करेंगे तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, इसके पहले बहुत सारे सेशन इसका जो डाल चुका हूँ, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है वेपर में, तो हाइड्रोजन का आइसोटोप पूछा गया है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम या ऊपर के सभी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है, मतलब जो है तीनों जो ऊपर के सभी जो है हाइड्रोजन के आइसोटोप है, ठीक है, तो इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये जो है तीनों इसके जो है आइसोटोप है हाइड्रोजन के, इसको याद रख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है कि फसल संयंत्र का जो कवक रोग निम्न में से कौन सा है, ठीक है, तो फसल जो संयंत्र का कवक रोग, ये जो है आलू की पत्तियों का मुड़ना, कपास का विल्ट, चावल में तुसार या आलू में भूरी संडास, ठीक है, ये जो क्वेश्चन आया भी है, ठीक है, सभी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार बहुत मेहनत से होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, जो सिलेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चन उसको कवर कराया जा रहा है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, कपास का विल्ट रोग या कपास में ये जो है ये कवक जो रोग होता है, ठीक है, फसल संबंधित रोग है, ये कपास में देखने को मिलती है, ठीक है, किसके कारण होता है, तो ये जो है कवक से जो होने वाला रोग, इसके विल्ट रोग भी बोलते हैं, ठीक है, इसको विल्ट रोग भी बोलते हैं और कपास में जो है, ठीक है, होता है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। अगला क्वेश्चन है परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है ईंधन बनाने में, बिजली बनाने में, ताप पैदा करने में या इनमें से कोई नहीं, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बिजली बनाने में, ठीक है, तो परमाणु विखंडन जो प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका जो है बिजली बनाने में ये जो है प्रयोग किया जाता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न से किसमें जो है अधिक ताप है, बर्फ में, उबलते पानी में या आपके भाप में या ऊपर के सभी में, इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे भाप हो जाएगा, ठीक, तो किसमें जो अधिक जो है टेम्परेचर होता है, ताप होता है, तो आपके भाप में, ठीक है, तो आप देखे होंगे चावल और खाना वगैरह बनाते थे तो भाप जो आप जलेंगे ये जो बहुत दर्द देते, जो जो आग में जो आप जलते हैं वो अलग, लेकिन भाप में जो जलता है बहुत दर्द और यहाँ पे घाव टाइप का हो जाता है, ठीक है, तो भाप का जो है टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, उबलते पानी का अपेक्षा भाप का ज़्यादा होता है, इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जो महामारी और स्थानिक, ठीक, एकेडमिक एंड जो है एंडेमिक दोनों प्रकार की बीमारी है, टाइफाइड, हैजा, पोलियो या खसरा, ठीक है, तो कौन सी महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है, तो आपका जो हैजा होता है, ठीक है, हैजा जो बीमारी है जो है महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी होता है हैजा, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से ग्राफेन के बारे में सही नहीं है उसको बताना, सही नहीं है उसको, तो कार्बन का जो है एलोट्रॉप, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, परमाणु जाली के रूप में या हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ग्राफेन के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो थ्री डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर ये जो है ग्राफेन के बारे में जो सही नहीं, बाकी कार्बन का एलोट्रोप है, परमाणु जाली के रूप में और हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर, मतलब जो है ए सी डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इसका जो है सही नहीं, यहाँ सही नहीं है उसको बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेजिन क्या है, ठीक है, तो रेजिन क्या है, एक बहुलक है जिसको पॉलीमर बोलते हैं, वायरस है या मैलवेयर है या आपके सर्च इंजन, ठीक है, तो रेजिन क्या है, तो ये आपका एक तरह का वायरस है रेजिन, ठीक है, एक कई बार जो है कंप्यूटर एग्जाम में आया हुआ है, तो रेजिन आपका वायरस का प्रकार है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें जो सभी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसी क्वेश्चन को यहाँ पे कवर कराया जा रहा है, ठीक है, सभी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से उसी को कवर कर रहा हूँ। सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है, गुणसूत्र 1 जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं, 1 गुणसूत्र 2, गुणसूत्र 3 या गुणसूत्र 4, ठीक है, तो सबसे बड़ा अणु कौन सा जो मानव तन का एक जो है हिस्सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, गुणसूत्र या क्रोमोसोम 1, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा अणु है जो मानव तन का एक जो है हिस्सा है, तो गुणसूत्र 1 इसका
क्रोमोसोम 1 इसका ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, डबल स्टार लगा रहा हूँ। तो पहले सबसे पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था, मार्क ओरोसोन ने, लो लास रोमर ने, एडविन हब्बल ने, या इनमें से कोई, याद रखिएगा रोमर बस आपको याद रखना है आर, ठीक है। तो पहले जो है प्रकाश की गति को किसने मापा था, तो लास रोवर या रोवर बस आप याद रखेंगे तब भी बन जाएगा, तो वो लास रोवर, ठीक है, साइंटिस्ट है जर्मनी के, इन्होंने जो है प्रकाश की गति को मापा था, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिरगिट रंग क्यों बदलता है, ठीक, इसका क्या कारण है जो गिरगिट अपना रंग बदलते रहता है। तो अन्य जानवरों से बचने के लिए रंग जो है बदलते हैं, बी है गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं, सी है कि गिरगिट वातावरण के प्रति संकेत के रूप में रंग बदलते हैं, या ऊपर में से कोई, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो गिरगिट क्यों बदलता है अपना रंग, तो ये जो है गिरगिट जो है वातावरण के प्रति संकेत के रूप में जो है बदलता है, ठीक, जैसे जैसे आपका इन्वायरमेंट जो है, जैसे आपका ठंड फिर गर्मी, ठीक, तो वातावरण के हिसाब से जो है, संकेत के हिसाब से जो है इसका जो है कलर चेंज होते रहता है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। तो गिरगिट किस लिए रंग चेंज करता है, तो वातावरण के प्रति, मतलब ठीक है, जैसे जैसे, ठीक है, आपका मानसून आता है, ठीक है, मौसम चेंज होता है, उसी के हिसाब से जो है रंग चेंज करता है, ठीक है। के, ठीक है, के इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिक ध्वनि, तापमान, या ऊपर में से कोई नहीं, ठीक है। तो के देखें इतना केल्विन है, जैसे 273 केल्विन देखे होंगे, ठीक है। इसी तरह जो के जो है किसके लिए, इसे मापने के, मतलब किस चीज़ के लिए मापने के लिए उपयोग किया जाता है, तो टेम्परेचर, ठीक है, तापमान से संबंधित है, या टेम्परेचर को जो है मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन बी वन, ठीक है, विटामिन बी वन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स, रतौंधी, रक्तल्पता, या आपका डी है बेरी बेरी, ठीक। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है जी, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा आपका बेरी बेरी, ठीक। कैसे याद रखेंगे, तो बी से आपका बेरी बेरी हो जाएगा, तो विटामिन बी की कमी से जो है आपका कौन सी बीमारी, तो ये आपका बेरी बेरी रोग होता है, बी से आपका बेरी बेरी तो बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राइनो वायरस, ठीक है, राइनो एक वायरस है, ये जो खालिस्थान की वजह बनता है, ठीक, आम जुकाम, सिर दर्द, कफ, या घुटने में दर्द, ठीक है। तो राइनो वायरस की वजह क्या होता है, तो ये जो है जुकाम आता है, ठीक है, तो आम जुकाम ये जो है राइनो वायरस के कारण ये जो है होता है, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किसे जो है स्टार क्वीन नेबुला के रूप में जाना जाता है, मेसियर 16, मेसियर 5, NGC 3372, या NGC 3293, ठीक है। तो चार्टर क्वीन नेबुला के रूप में जो है जाना जाता है आपका मेसियर 16 को, मेसियर 16 को जो है स्टार क्वीन नेबुला के नाम से जो है जाना जाता है, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कितना कुल ऑक्सीजन रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आप सभी को पता है जो ऑक्सीजन हमारे जो है ब्लड में जो है, ठीक है, पाया जाता है, तो वही बोला जा रहा है कितना कुल जो ऑक्सीजन हमारे रक्त जो ब्लड शरीर में जो है मस्तिष्क के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, आपका जो है 20, 50, 75 या 35%, तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा लगभग 20%, याद रखिएगा 20% जो है ऑक्सीजन हमारे ब्लड में, ठीक है, रक्त शरीर में मस्तिष्क के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका, ठीक है, मस्तिष्क का उपयोग जो ऑक्सीजन जो है, जो हमारा ब्रेन होता है मस्तिष्क का, ऑक्सीजन का 20% उपयोग करते हैं हमारे शरीर का, तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आया पूछा गया है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो ये आपका पटेला, स्टेपीज, टिबिया, या ह्यूमरस, ठीक है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपका स्टेपीज का होता है, ठीक है, तो स्टेपीज जो है हमारा जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, इसको मानी जाती है स्टेपीज, ठीक है। और सबसे बड़ा आपका जांघ का हड्डी होता है, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मात्र दो ऊतक कौन से हैं जो खून के ऑक्सीजन से प्राप्त नहीं करते, नाखून और कार्निया, त्वचा और मस्तिष्क, उंगलियां और नाक, या पैर और भुजा, ठीक है। मात्र दो ऊतक कौन सा है हमारे शरीर का जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। आप हमारा जो नाखून देखोगे, ठीक है, नाखून हो गया, और जो हमारा कार्निया जो आपके आँख में पाया जाता है, ठीक है, कार्निया, तो जो जैसे नेत्रदान करते हैं तो आँख का जो कार्निया वाला जो भाग होता है इसी को दान किया जाता है, ठीक है, एग्जाम में भी आया हुआ है। तो जो ऊतक कौन सा है, नाखून और कार्निया, ये जो है दो ऊतक है जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं, ठीक है, शरीर के जो पार्ट से जो ऑक्सीजन नहीं प्राप्त करते हैं, इसका ये ऑप्शन हो जाएगा नाखून और कार्निया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है, पुतली, आयरिस,
कार्निया या आईलिड, जिसका जो करेक्ट बी ऑप्शन हो जाएगा आयरिस। ठीक है, तो आँख का कौन सा भाग जो है आँख के रंग का निर्धारण करता है, तो आयरिस जो है ये जो आँख का ये जो वाला भाग आयरिस वाला भाग जो है आँख के रंग का निर्धारण करता है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपका जो है लगभग सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है, हर कंप्यूटर एग्जाम के लिए काम आएगा। तो चैनल अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।